लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को केरल की मलप्पुरम सीट से मैदान में उतारा है। अब्दुल सलाम कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य मलप्पुरम सीट पर उनका मुकाबला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के ET मोहम्मद बशीर और CPIM के वी वासिफ से होगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम लंबे वक्त से इस सीट पर बीजेपी का प्रचार करते रहे हैं। बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम एक प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक हैं और 2019 से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीदवार बनाए जाने पर अब्दुल सलाम ने कहा कि वह भाजपा की पहली लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र मुस्लिम होने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने समाचारों से अपनी उम्मीदवारी के बारे में सुना। मलप्पुरम में पार्टी मेरा समर्थन कर रही है और मेरे लिए कड़ी मेहनत कर रही है, यह मेरे लिए खुशी की बात है। केरल में 2021 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल सलाम ने तिरु से IUML के कुरुकोली मोईदीन से चुनाव लड़ा और हार गए थे। मलप्पुरम लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा दोनों चुनाव में IUML का गढ़ रहा है। पिछली बार भाजपा के AP अब्दुल्ला कुट्टी यहां तीसरे स्थान पर रहे थे। अब्दुल सलाम ने 15 देशों में एक वैज्ञानिक और सलाहकार के तौर पर काम किया है, लेकिन कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर उनका कार्यकाल उतार चढ़ाव वाला रहा। उन्हें विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। 2014 में हुए एक मामले में उनके कुलपति शासन के दौरान उन्हें महिला विरोधी भी कहा गया और अभी भी जमीन हड़पने जैसे कई मामलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अब्दुल सलाम ने कहा कि वह IUML या CPIM के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा काम गरीब निर्दोष मुसलमानों को नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ झूठे प्रचार का एहसास कराना है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।